खातिर हीरा जन्म गवाया, जब से तू आया जग में प्रभु ना धियाया। विषयों के खातिर हीरा जन्म गवाया, चल प्रभु तुम रंग कर बपार लगाते हैं। चल प्रभु तुम रंग कर बपार लगाते संगत नगरी में प्रभु मिल जाते हैं, सत्संग की नगरी में प्रभु मिल जाते हैं। इस संसार में सच क्या है जो हमने कल भी सुना,
भगवान शिव भी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल मात्र भगवान है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। इस संसार में एक ही सच है और वो है भगवान। उस ईश्वर के साथ मिल जाना ही वास्तव में सत्संग है। वास्तव में तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। उन्होंने कहा जो भगवान की भक्ति है ना वो स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। इस भक्ति में सभी सुख मिलते हैं, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। लेकिन ये भक्ति कहाँ मिलती है? ये सत्संग में मिलती है। ये भक्ति कब हमारे जीवन में उतरती है? जब हमारा भगवान के साथ संग होता है, जब हमारा भगवान के साथ मिलन होता है। एक चौपाई में अन्य चौपाई में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की भक्ति के बारे में कहते हैं, कहते जो हम भगवान की भक्ति करते हैं भगवान को जाने बिना, कहते जाने बिना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिन नहीं भक्ति रुड़ाई, जिमी खगपति जल की चिकनाई। कहते जब तक आप भगवान को जान नहीं लेते, जाने बिन नहीं होए प्रतीति, उसके ऊपर विश्वास नहीं हो सकता। जब जानकर हम विश्वास, हमने एक बार प्रार्थना की, दो बार की, तीन बार की, हमारी सुनी नहीं गई, तो हम भगवान चेंज कर लेते हैं, हमारा विश्वास डोल जाता है, हम भगवान को मनाने के रास्ते चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकर उनके साथ नहीं जुड़े। जो जानकर जुड़े हैं, प्रहलाद के जीवन में कितने संकट आए, उनकी माँ ने भी कह दिया बेटा ये मार्ग छोड़ दे, ये कष्टों का मार्ग है। लेकिन प्रहलाद ने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि केवल मात्र बातों की भक्ति नहीं थी, भगवान को जाना था, भगवान का भीतर से साक्षात्कार किया था, अपने भीतर से दर्शन किया था गुरुदेव नारद जी की कृपा से, तो इतने कष्ट आए, विश्वास नहीं डोला, प्रेम फीका नहीं पड़ा। मीराबाई जी कितने जीवन में